सेविका सहायिका संघ की बैठक में सेविकाओं ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। अध्यक्षता वेणु मीनाक्षी ने किया। इस दौरान सेविकाओं ने कहा कि 2016 में ही मध्याह्न भोजन बनाने हेतु बर्तन खरीदे गए थे जो आज अनुपयोगी हो गया है। बच्चों के पोषाहार में भी कटौती की जा रही है। पहले 40 पॉकेट दूध मिलते थे परंतु आज मात्र 8 पॉकेट ही मिलते हैं। इसके बाद भी जांच के नाम पर सेविका सहायिका को विभाग द्वारा परेशान किया जाता है जिसे संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि संघ के एक प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याओं को लेकर जल्द ही अनुमंडल पदाधिकारी से मिलेगा और अपनी समस्याओं से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराएगा। सेविका सहायिकाओं का आरोप था कि आंगनबाड़ी केंद्र पर चल रही योजनाओं के अपडेट के लिए उन्हें जो मोबाइल सालों पहले मिला था वह कुछ ही महीनों बाद खराब हो गए हैं और जिस ओर विभाग को ध्यान देना चाहिए जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में चलता है उनका किराया करीब 1 वर्षों से बकाया है जिसके कारण मकान मालिक का ताना उनको सुनना पड़ता है। वहीं विभिन्न योजनाओं के मद में पहले 18,000 पोषाहार की राशि आती थी वो अब घटकर 10,000 मिल रहा है जिसके कारण पोषाहार को सुचारू रूप से संचालित करने में परेशानी हो रही है। मध्याह्न भोजन में अंडा का पैसा कई महीनों से मिल रहा है जबकि अंडा की जांच विभाग द्वारा हमेशा किया जाता है। DNT न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।